और बरसों से जो हमारा कृषि क्षेत्र चुनौतियां महसूस कर रहा है उसको बाहर लाने के लिए हमने निरंतर प्रयास करना ही होगा और उस करने की दिशा में हमने एक ईमानदारी से प्रयास किया है। जो भावी चुनौतियां जिसको कई विद्वानों ने कहा हुआ है, कोई मेरे शब्द नहीं है, कृषि क्षेत्र की इन भावी चुनौतियों को हमने अभी से डील करना पड़ेगा और उसको करने की दिशा हमने प्रयास किया है। मैं एक देख रहा था कि यहां पर जो चर्चा हुई और विशेष करके हमारे जो कांग्रेस के साथियों ने चर्चा की, मैं ये तो देख रहा था कि वो इस कानून के कलर पर तो बहुत बहस कर रहे थे, ब्लैक है कि व्हाइट है, ब्लैक है कि व्हाइट है। अच्छा होता उसके कंटेंट पर चर्चा करते, अच्छा होता उसके इंटेंट पर चर्चा करते, ताकि देश के किसानों को भी सही चीज पहुंच सकती थी। और मुझे विश्वास है, दादा ने भी भाषण किया और मुझे लगता है कि दादा तो बहुत अभ्यास करके आए होंगे, बहुत अच्छी बात बताएंगे, लेकिन वो ज्यादातर प्रधानमंत्री और उनके साथी बंगाल में यात्रा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसी में लगे रहे तो दादा के ज्ञान का हम ज्ञान से हम इस बार वंचित रह गए। खैर, चुनाव के बाद अगर आपके पास मौका होगा तो ये कितना महत्वपूर्ण प्रदेश है, इसीलिए हम कर रहे हैं। हाँ, आप लोगों ने इसको इतना पीछे छोड़ दिया, हम तो इसको प्रमुखता देना चाहते हैं। हम एक बात समझे, जहां तक आंदोलन का सवाल है, दिल्ली के बाहर हमारे जो किसान भाई बहन बैठे हैं, जो भी गलत धारणाएं बनाई गई, जो अफवाहें फैला गई, उसके शिकार हुए हैं, लेकिन मेरा पूरा भाषण बोलने के बाद सब कीजिए, आपको मौका मिला था। आप तो ऐसे शब्द उनके लिए बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल सकते हैं। श्रीमान किसान हमारे कैला चौधरी जी ने और हमारे पूरे समय बोलते ही रहेंगे क्या? अन्य माननीय, आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया था, आपने पूरी बात कही, उस समय किसने टोका टोकी नहीं की। प्लीज प्लीज आप मत, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अधीर रंजन जी, प्लीज प्लीज, माननीय अधीर रंजन जी, प्लीज 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 प्लीज। देखिए, मैं कितनी सेवा करता हूँ आपकी, आपको जहाँ रजिस्टर करवाना था हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आंदोलन कर रहे सभी किसान साथियों की भावनाओं का ये सदन भी और ये सरकार भी आदर करती है, आदर करती रहेगी। और इसीलिए सरकार के वरिष्ठ मंत्री, जब ये आंदोलन पंजाब में था तब भी और बाद में भी, लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं, किसानों के प्रति सम्मान भाव के साथ कर रहे हैं,
आदर भाव के साथ कर रहे हैं और इसलिए आपने 30 मिनट एक मिनट आपका कोई रिकॉर्ड नहीं कर बैठी अधीर बाबू कुछ कहना है तो और मैं अध्यक्ष जी बीच बीच में जरूरी होता है सर लगातार बातचीत होती रही है और जब पंजाब में आंदोलन चल रहा था उस समय भी हुई है, दिल्ली आने के बाद हुई ऐसा नहीं है। बातचीत में किसानों की शंकाएं क्या है वो ढूंढने का भी भरपूर प्रयास किया गया, उनसे लगातार कहा गया कि भाई अपन एक एक मुद्दे पर चर्चा करें और नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इस विषय में विस्तार से बताया भी है राज्यसभा में, तो क्लोज बाई क्लोज चर्चा करने के लिए भी कहा। और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते उसमें बदल करने में क्या जाता है जी, ये देश देशवासियों के लिए है, अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है। लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है और इसीलिए हम जब शुरू में जब वो पंजाब में थे आपने अपनी बात कह चुके हैं, एक मिनट बोल दिया ना, नहीं ऐसा ठीक नहीं है, आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मैंने दिया था, किसी ने टोका टोकी नहीं की थी, नहीं माननीय सुरेश जी प्लीज बैठिए प्लीज, नो ये तरीका नहीं है, नहीं नो चलिए ये क्रेडिट भी आपने मुझे दे दी मिस्टर बालू प्लीज प्लीज नो नो प्लीज आप बैठिए, आपको किसने कहा पीआर बालू जी प्लीज 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 आपको मैं पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देता हूँ, प्लीज प्लीज सिट डाउन। माननीय प्रधानमंत्री जी आपका कोई नोट नहीं हो रहा, माननीय प्रधानमंत्री ये ऑर्डिनेंस के द्वारा ही तीनों कानून लागू किए गए थे, बाद में पार्लियामेंट में भी पारित हुई। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है, ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है और इसलिए बैठिए आसन पे बैठिए। माननीय सदस्यगण, मैंने इस विषय पर
आपको सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया था। जब कोई भी प्रतिपक्ष का माननीय नेता या सदस्य बोलता था तो मैंने सभी से कहा कि सब बात ध्यान से सुने, किसी को टोका टोकी नहीं करें। और रात्रि को 1 बजे तक जब तक सदन में अंतिम वक्ता था मैंने पर्याप्त समय दिया है। मेरा आपसे आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपने अपनी बात कह चुके हैं, उनका जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा अपनी बात माननीय अध्यक्ष जी, ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत, और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है, लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो। माननीय अध्यक्ष जी, ऑर्डिनेंस के बाद और पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायने रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है, आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। और इसलिए प्लीज अधिरंजन जी, अब ज्यादा हो रहा है, अधिरंजन जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं, और मैंने पहले कह दिया आपने जितना किया जहां रजिस्टर होना हो गया, और बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी। बाबा क्यों इतना है? हाँ दादा देखो मैं बता दिया, चिंता मत करो मैंने बता दिया। अधिरंजन जी प्लीज, अधिरंजन जी अच्छा नहीं लगता है, मैं इतना आदर करता हूँ, आप आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों नहीं करते? अरे भाई हद से ज्यादा क्यों कर रहे हैं आप? प्लीज अधिरंजन जी प्लीज, माननीय सदस्य दादा प्लीज, ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधनकर्ता नहीं है, ऐसे कानून है उनके लिए ऑप्शन है, और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। हां ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो उसके लिए विरोध का कारण बनता है, और इसलिए